दोस्तों अपना डॉग फूड पहुंच चुका है, ठीक है। मैं जो भी बैग मंगाता हूँ ना, ये 10 kg की ही मंगाता हूँ, ठीक है। 10 kg की मंगाता हूँ, ये हमारे हमारे स्टे डॉग के लिए भी हो जाता है, और हमारे जो हमारे स्टे डॉग है जिनको फिटो में फीट करता हूँ उनके लिए भी हो जाता है, और दूसरा जो है ये, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए भी हो जाता है। तो ये मतलब चल जाता है, 7-8 दिन चल जाता है, उसके बाद जैसे ही ख़त्म होने को होता है दोस्तों, उससे पहले एडवांस में फिर मैं मंगा लेता हूँ, और कभी कभी 2-2 बैग इकट्ठे भी मंगा लेता हूँ दोस्तों। इन लोगों इस फूड को ये आता है, बिस्किट आते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग वैरायटियाँ इनकी आती है दोस्तों, क्योंकि 3 डॉग तो ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, 3 डॉग है, और यही फूड जो है हमारी कैट भी खाती आ रही है, क्योंकि 3 कैट हमारे पास, 3 डॉग है यार की 6, 3 डॉग 3 कैट यार की 6 तो हमारे पास बच्चे यही हो गए, हमारे ही हो गए, बाकी और बाहर के हो गए, तो ये मतलब 7 या 8 दिन से ज़्यादा ये फूड नहीं चलता दोस्तों, चाहे वो स्टिक हो वगैरह कोई भी हो, तो हमारे लिए बाहर से और परचेज़ करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। जो भी काम करता है ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ है दोस्तों, जिस वजह से ये काम मैं अपने अपने पैसों के बदौलत, ठीक है, अपनी हिम्मत की बदौलत कर पाता हूँ, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जो मेरे भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इतनी ताकत बनाए रखना, ठीक है, ताकि मैं लोगों की सेवा करते रहूं, और अभी तक ऊपर वाले की दुआ से मेरी जो सेवा है ना युद्ध स्तर पर लगातार जारी है दोस्तों, और मैं जो है ना अपने को बहुत ही खुश महसूस करता हूं, भगवान ने मेरे को इसलिए चुना है दोस्तों। गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट और ये मुझे बहुत प्यारे हैं, ठीक है, गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पौधे लगाना, पेड़ों को बड़ा करना, खड़ा करना, पेड़ अक्सर केंद्रीय बिंदु होते हैं, कहते हैं ना, दिल नहीं पेड़ लगाओ घाव नहीं छाव देंगे, किसी का नाम पेड़ में लिखने से बेहतर है कि उसके नाम का पेड़ लगाओ दे दोस्तों। हंसदेव जंगल कट रहा है कोयले की वजह से, लेकिन पूरा देश चुप है, गोदी मीडिया चुप है, सब पूरी दुनिया चुप है, लेकिन कोई बोलने को उस पर तैयार नहीं है दोस्तों, ठीक है। जंगल कट रहे हैं, पर्यावरण तेज रहा है, क्लाइमेट कहते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ पैसों के लिए दोस्तों, ये क्या अच्छी बात है। हम लोग कब इस बात को समझे, किस हम कब सख्ती से सरकार का विरोध करेंगे, नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हमारी आँखों में पट्टी बच चुकी होती है, बहुत दुख होता है, फील होता है, ग्लेशियर कितनी तेज़ी के साथ गल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलो यार, जितनी भी ज़िंदगी है, जितना भी हम भगवान से, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा ज़िंदगी में वापस ना हो, इस बार गलती से भेज कर दोबारा भगवान कभी हमको दोबारा इस दुनिया के अंदर भेजना भी मत। और अभी हम जितनी सेवा भगवान करते आ रहे हैं, सुनो, बचपन से करते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, चाहे पैसे हो चाहे मत हो ना, हमने अभी सेवा को कभी रोका नहीं, चाहे हमारे पास उस समय एक आला दो आला भी था, हम उससे भी सेवा करते थे, और अभी भी हम चाहे सेवा में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। मानो तो सेवा हो और पेड़ लगाना हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई पेड़ हो, हम लगाते हैं, और उसको वो उस मैसेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ दोस्तों, ठीक है, और करता भी रहूँगा, ठीक है। और आप लोगों के प्यार की वजह से जो है ये काम हो पाते हैं, और दिल को बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी 10 किलो का बैग फिर पहुंच गया, अगला फिर जब भी बैग आते रहेंगे, ठीक है, आते रहते हैं, तो ऊपर वाले की दुआ से कभी भी इनमें जो रुकावट कभी नहीं आई दोस्तों, इनका राशन युद्ध स्तर में आता रहा है, चाहे स्टेड हो गए, किसी का भी है युद्ध, किसी के लिए कोई कमी नहीं हुई है। कितने बर्तन चोरी आते हैं, मैं बर्तन ला के रखते रहता हूँ दोस्तों, अभी तो मैंने नेमचूट भी लगा दी है बहुत जगह कि भैया बर्तन मत चुराओ यार, अगर बर्तन चुराते हो ना, भले ही पैसे दे दूंगा यार, और बर्तन लेना मेरे भाई, लेकिन उनके डॉग के बर्तन मत लो, क्या फ़ायदा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।